हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, यू वर्सेस देम, आपके और पार्टनर के बीच में इस महीने क्या क्या होने वाला है, और आपके लिए गाइडेंस जो आपको इस वक्त करने की ज़रूरत है अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए। इस तरह की गाइडेंस दूंगी और इस वक्त सिचुएशन क्या है वो भी बताई जाएगी आपको। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ठीक है, धनु राशि वालों के लिए है लव रीडिंग। चलिए मैं देख के बता देती हूँ, आप चाहे ट्विन फ्लेम है, चाहे सोलमेट है, चाहे किसी कार्मिक सिचुएशन में है, तो यस बिल्कुल ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही होने वाली है। और कार्ड निकाल लेते हैं। ऐसा दिख रहा है, नंबर टू के कार्ड दो बार आ जाना मुझे दिखता तो है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में उनके अलावा भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ही। उनका करियर है या बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। ऐसी मैं सिचुएशन बता रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी हैं और आपके पर्सन ज़रूरी नहीं है कि सब आपसे, मतलब यहाँ पे दो ग्रुप दिख रहे हैं। एक तो वो दिख रहे हैं कि जिनके पार्टनर में एज गैप बहुत ज़्यादा है, और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, दिखाते कुछ हो रहे हैं कुछ और। यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी दिख रहा है, अपनी एनर्जी बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पे आपने बैलेंस किया हुआ है अपनी एनर्जी को, जो इस वक्त मेरे वीडियो देख रहे हैं ना उनकी बात कर रही हूँ। काफी अच्छी एनर्जी मुझे फील हो रही है धनु राशि वालों के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। वाओ द लवर्स, आपका ये महीना ओवरऑल तो बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए मेरे पास द सन कार्ड है, लवर्स कार्ड है, ठीक है, द चैरियट कार्ड है। बढ़ते चलो आगे, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आपको कुछ तो पता चला है ऐसे कि कैसे चलाना है ये रिलेशनशिप। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, दोनों ही कार्ड यहाँ पे मेरे पास है, एज गैप भी दिख रहा है, बहुत जल्दी ही आपकी, आपके पार्टनर से बात होने वाली है। वो प्यार का कप लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई गुड न्यूज आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, या ऑलरेडी आ चुके होंगे, या मेरी वीडियो देखते देखते ही आपको उनका मैसेज आ जाएगा। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर की, हाँ मैं आपको ना बतानी पड़े, अपनी फीलिंग्स ना शेयर करनी पड़े, लेकिन वो इस हद तक मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा तो कुछ कर रहे हो, बिल्कुल राइट पाथ पे जा रहे हो। आप जो कर रहे हो ना अपने रिलेशन के लिए गाइडेंस, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। आप जो कर रहे हो मेरे सामने है कि बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको वैसे ही करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पीछे मुड़ के इस पार्टनर की तरफ अभी तो मत देखो, जैसे ही आप पीछे मुड़े इन्होंने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर देनी है। तो अभी आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया है कि इस रिलेशनशिप को कैसे आपको टैकल करना है, तो वो सब आप कर रहे हो। अब वैसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। ये महीने के एंड होते होते मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की काफ़ी अच्छी बात होगी। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। देखिए वो आप ही की तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो सिचुएशन तो थोड़ी सी टफ अभी भी है, कुछ उनकी लाइफ में अभी भी है, ठीक है। ये दो कार्ड जो मुझे दिखा रहे हैं ना, ये भी मुझे दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर शायद अभी भी फंसे हुए हैं, पूरी तरह से निकले तो नहीं है उस चीज से बाहर, अभी भी सोच रहे हैं।
लेकिन चूज वो आपको ही करना चाहते हैं और करेंगे भी, क्योंकि द लवर्स कार्ड हमारे पास आया। अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बोल सकती थी कि अभी वेट कर लो, अभी इंतजार कर लो। कुछ लोगों के लिए तो देखिए दिख रहा है कि ऑलरेडी मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं या उनकी फैमिली बीच में है आप दोनों के बीच में, तो वो अभी मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, और कुछ दोनों ही तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी रिश्ता बना रहे वो भी रिश्ता बना रहे। ये सिचुएशन तो अभी भी है आप लोगों में से, सबके साथ नहीं ऐसा, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आपके पार्टनर ने जैसे कि अभी थर्ड पार्टी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल आया, निकल नहीं पाया, चाहे उनकी फैमिली है, मदर इश्यूज है, ठीक है, थर्ड पार्टी से अभी उनको पूरी तरह से राहत तो नहीं मिली है, पर वो आपकी तरफ सॉलिड अट्रैक्शन है उनको, आपके पार्टनर को, आपके अलावा उनको कोई और पसंद ही नहीं आता है, आती है, ठीक है, आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, वो खींचे चले आते हैं अपने आप आपकी तरफ, उनको आप जैसे कोई लगती ही नहीं है कि आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई और भी है या आपसे ज्यादा हैंडसम कोई और भी है, आपके पार्टनर के लिए वो सिर्फ एक ही पर्सन है, वो हो आप। आपके लिए आप गाइडेंस भी दे देती हूँ। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, ऑलरेडी आप सही बात पे, आपको पता भी है, ठीक है, आपको पता भी है कि आपके पर्सन से डिटैच होके ही आप आगे बढ़ सकते हो, और इसके पीछे भी कोई वजह है, यूनिवर्स ने कुछ अच्छा प्लान किया है, आपको पूरी तरह से भरोसा है, एक अवेकन सोल जो होते हैं ना आप वही हो, और आपको पता है कि जो कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप देख रहे हो बिगर पिक्चर, तो यही गाइडेंस है। अभी इस वक्त अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ऐसे हो जाइए, ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको परेशानी हो रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको, और वही करते जाइए, आगे बढ़ो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, आप ही की जो मस्कुलिन एनर्जी है, उसी को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है, और जो होगा इसका आपको रिजल्ट बड़ा ही मिलेगा, भले ही आज आपको लग रहा है कि आप अलग हो, कुछ नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, आप अलग हो, आप अलग हो नहीं, आप एक हो, एक थे, एक ही रहोगे। ठीक है सेजिटेरियस, आपके लिए ही गाइडेंस है, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए बहुत जल्दी, तो आपके लिए मुझे ज्यादा गाइडेंस भी नहीं देनी पड़ी है कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, क्योंकि आप काफी समझदार है, आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ आपको क्या करना है, आपको वैसे ही करना है, आप जो सोच रहे हो ना बिल्कुल वैसे ही करना है, मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है, आप भी भरोसा रखिए खुद पे, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जो बहुत जल्दी ही आपको इसका पता चलने वाला है। लाइक कर दीजिएगा इस मेरी रीडिंग को, अगर आपको रेजोनेट हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, करिए लाइक कर दीजिए, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।